नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 30 मार्च साथियों, इस वीडियो के तहत शिक्षा निदेशालय बीकानेर या विभाग उसकी ओर से महत्वपूर्ण आदेश और सूचनाएं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहली अपडेट है, आप देख सकते हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से यह संशोधित टाइम फ्रेम जारी हुआ है। किसके लिए देख सकते हैं, शैक्षिक सत्र 24-25 के लिए गैर सरकारी क्षेत्र में संचालित विद्यालयों की माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति, अतिरिक्त संकाय अथवा विषय, माध्यम भवन अथवा स्थान, वर्ग नाम और माध्यम परिवर्तन, वर्चुअल विद्यालय मान्यता, प्रबंध अंतरण मान्यता समर्पण एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से संबद्धता प्राप्त किए जाने के लिए NOC हेतु विभाग द्वारा जारी समसंज्ञक विज्ञप्ति दिनांक जो कि 8 अक्टूबर 2023 में निर्धारित टाइम फ्रेम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में जो है संशोधन किया गया है। अब किस प्रकार से संशोधन है, पूर्व में तो निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 रखी गई थी, लेकिन अब संशोधित आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 31 जुलाई 2024 तक। आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 जुलाई 2024 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। तो ये संशोधित टाइम फ्रेम जारी हुआ है। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली खबर है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जानते हैं वीडियो के तहत, यहाँ पर प्राचार्य डाइट समझ जिलों हेतु चयनित 142 पीएम श्री विद्यालयों में ओलैब्स स्थापित करने के संबंध में राज्य में प्रथम चरण में विज्ञान संकाय एवं ICT सुविधा युक्त कुल 142 पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सीडेक मुंबई के तकनीकी सहयोग से ओलैब्स स्थापित किए जाने हैं। ओलैब्स के माध्यम से विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वर्चुअल माध्यम से प्रयोगशाला संबंधित कार्य कराए जाने हैं और सीडेक मुंबई के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 4 मार्च 2024 को एक दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण जयपुर में आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण में डायट कार्यालय में मनोनीत PM श्री प्रभारी द्वारा भाग लिया गया है। मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण उपरांत सीडेक मुंबई द्वारा उपलब्ध कराए गए ओलैब्स सॉफ्टवेयर को चयनित 142 PM श्री विद्यालयों में इंस्टॉल किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में जो प्रारूप है उनके अनुसार संबंधित PM श्री विद्यालयों में ओलैब्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की अनुपालना रिपोर्ट आगामी 2 दिवसों में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ये प्रारूप फर्स्ट और प्रारूप सेकंड दिया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर जिला कुल चयनित PM श्री विद्यालय ओलैब्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वाले PM श्री विद्यालयों की संख्या ये, और नीचे प्रारूप नंबर 2। तो ये दूसरी अपडेट राजस्थानी स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि आचार संहिता में फंसे परिणाम 7 लाख अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार। आचार संहिता के कारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित संगणक सूचना सहायक ANM GNM और कनिष्ठ लेखाकार सहित 7 भर्तियों के फिलहाल परिणाम अट गए। इनमें करीब बात करें तो 17,271 पद शामिल है। इनका परिणाम जारी करने को बोर्ड को चुनाव आयोग की अनुमति का इंतजार है और ये भर्ती परीक्षाएं जनवरी से मार्च तक में हुई थी। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राजी का कहना है कि चयन बोर्ड ने 7 बड़ी भर्ती परीक्षाएं कराई थी, प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया जाना है। सरकार से आग्रह किया गया है कि चुनाव आयोग से अनुमति ली जाए। तो यह आप देख सकते हैं जो 7 बड़ी भर्तियाँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित है उनके परिणाम अटके हुए हैं, उसको लेकर के जो बोर्ड अध्यक्ष आलोक राजी ने सरकार से अनुमति चाहिए। देखते साथियों क्या अपडेट निकल कर आती है इन भर्तियों के रिजल्ट को लेकर के। तो ये थी इस समय की इस वीडियो के माध्यम से 2 से 3 महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के अपडेट के लिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।